हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं जूल्स लॉ। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जूल्स लॉ हम लोग को क्या बताता है कि अगर एक सर्किट दिया हुआ है हमारे पास, लाइक ये रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है और यहां पे करंट आ रहा है, आई करंट यहां से आ रहा है, सर्किट ऐसे कंप्लीट हुआ होगा, और तो बोलता है ये जो रेजिस्टेंस है यहां पे हीट कितना डेवलप होगा ड्यू टू दिस करंट। तो जूल्स लॉ क्या बताता है हम लोग को कि हीट जो यहां पे डेवलप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, तो आई स्क्वायर से, और किससे होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस से। और एक चीज है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब कितना समय तक आप यहां से क्या किए हो, करंट को पास कराए हो। इन तीनों चीजों पर डिपेंड करेगा। तो आप अगर तीनों चीजों को कंबाइन कर दो तो क्या आ जाएगा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर और टी। So, हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दें तो यहां पे आता है कांस्टेंट आई स्क्वायर एंड आर टी, जिसको हम के बोल रहे हैं यहां पे, और इस के की वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग को यहां पे दिखाई देता है कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जूल्स लॉ आपको समझ में आ गया। तो कैसे लिखेंगे हम लोग कि द हीट डेवलप इन अ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट रेजिस्टेंस एंड टाइम। यही होगा। तो हम लोग जूल्स लॉ से पूछते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटेंस में इस तरीके से लिख देंगे। मतलब तो यहां पे लिखा हुआ है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, फिर है कि प्रोपोर्शनल टू आर एंड टी, और यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि हीट इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, सो इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आपको एक सवाल अच्छा कराता हूं। चलो हो गया कॉपी। अब यही सर्किट के लिए मैं आपसे पूछूंगा कि हीट कितना है, और एक दो चीजें आपको दे देता हूं। देखो यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, और करंट हम लोग को आप ही को बताना है। करंट यहां पे मैं लिख लेता हूं कि 4 वोल्ट की बैटरी है, तो बोलता है हीट कितना डेवलप होगा। तो आपको पता है कि हीट इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो आप पहले आई कैलकुलेट कर लीजिए। आई कितना हो जाएगा बताओ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और वोल्टेज कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 एम्पियर। करंट की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। अब यहां पे 2 पुट कर देते हो, 2 स्क्वायर, आर की वैल्यू है 2, और टाइम कितना है, तो मान लो हमने टाइम दे दिया, टाइम है 30 सेकेंड, तो हमने यहां पे लिख दिया 30 सेकेंड। सो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, इतना जूल किसमें आ गया, ये इतना जूल में आ गया। सो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। मान लो यहाँ पे और क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं कि आपको रेजिस्टेंस बढ़ा के दे दें, कुछ अजीब सा रेजिस्टेंस दे दिया और आपसे पूछे कि अब बताओ। ठीक है, तो ये चीज हम यहां पे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हर ब्रांच में करंट कितना होगा, तो ये भी हम लोग एक बार कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। मैं आपको डिराइव करके समझा देता हूं, फिर आप इसको यूज कर सकते हो। चलो यहां तक हो गया, ये न्यूमेरिकल कॉपी कर लिया आपने। क्या पूछा था मैंने यहां पर, हीट डेवलप कितना था, यह सवाल था, मिटा दू। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहां पे करंट डिवीजन फॉर्मूला। देखो करंट डिवीजन फॉर्मूला, अगर मैंने यहां पे लिया है कि 2 रेजिस्टेंस है, मैं यहां पे 2 के लिए बता रहा हूं, हम लोग इसको बाद में यूज कर सकते हैं बहुत सालों के लिए। मतलब ये हो गया R1, यहां पे है R2, करंट यहां से आ रही है I, और ये करंट यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। देखो यहां पर अगर I1 है तो, और यहां पे मैंने बोल दिया I2, तो आपको बताना है कि वहां से I1 और I2 कितना पास हो रहा है, और मान लो यहां पे हमने वोल्टेज दे दिया। बोलो समझ में आ रहा है कि सर्किट में क्या दिया हुआ है हमको बैटरी कितने वोल्ट की है वो दी हुई है, करंट में हमको मान लो दे दिया गया, और आपसे पूछता है कि यहां से कितना करंट जा रहा है, यहां से कितना करंट जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो आपको पता है कि यही करंट दोनों जगह पर डिवाइड हुआ है, मतलब I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2। ये बात समझ में आती है। अच्छा अब हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेलल में हर जगह वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। मतलब वोल्टेज थ्रू R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज थ्रू R2, दोनों जगह से वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, जवाब है कि I1 पहले वाले से
आई वन इंटू आर वन, और यहां क्या लिख सकते हो आप आई टू इंटू आर टू। अगर मैं आर टू को ऐसे लिख सकता हूं आई माइनस आई वन, देखो तो यहां से आई टू को क्या लिख सकता हूं, देखो आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई माइनस आई वन, लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया, यहां आ गया आर टू, यहां पे आ गया आई वन और आर वन, समझ में आ रहा। अब क्या करेंगे, यहां पे अलग अलग कर लो, आई आर टू माइनस आई वन आर टू, और यहां पे क्या आ गया आई वन और आर वन। अब आप क्या करोगे, तो यहां से ले आओ आई वन को, ठीक है, हमको चूंकि आई वन फाइंड करना है तो हमने यहां पे आई वन इधर ले आया, तो आप यहां से क्या करोगे आर वन और ये वाला आर टू, यहां पे आ जाएगा आई आर टू, और यहां से हम लोग क्या करेंगे ना आई कैलकुलेट कर सकते हैं, आई वन कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा आई, और यहां लिख देता हूं आर टू, और यहां हो गया आर वन प्लस आर टू। बोलो समझ में आ गया ये चीज। सिमिलरली क्या हम आई टू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं कैलकुलेट, कैसे, तो एक काम करता हूं आई टू मैं कैलकुलेट करता हूं आई माइनस आई वन से, तो आई माइनस आई वन कितना है, आई वन है ये, हो जाएगा यहां पे क्या आ जाएगा आई कॉमन ले लीजिए, यहां आ जाएगा वन माइनस आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, सो ये वाला यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा आर वन प्लस आर टू माइनस आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। और अगर आप यहां पे देखो ध्यान से तो ये भी बिल्कुल उसी के जैसा दिख रहा है कि ये दोनों कैंसल, यहां पे आ रहा है आर वन और यहां पे आ गया आर वन प्लस आर टू, एक जैसा दिख रहा है लेकिन एक है नहीं। अब ध्यान से देखो इसको, अगर मैंने यहां पे आई टू पूछा है तो ऊपर में लिखना है आपको आर वन, अगर मैंने आई वन पूछा है तो यहां पे लिखना है आर टू, बाकी सब कुछ जो है वो सेम है, लिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया करंट डिवीजन फॉर्मूला, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है तो आप ये डिराइव करके बता दोगे, और हम इसको यूज तो करेंगे ही न्यूमेरिकल में। तो पहले आप यहां पे कॉपी करो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूं कि इस पे कैसे पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहां पे एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट में बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की है, यहां पे आई वन है, यहां पे आई टू है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहां से 6 ओम का रेजिस्टेंस, और यहां पे आपसे पूछा है कि फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आपसे पूछा है। सेकंड पार्ट में पूछा है कि आई बता दो, आई वन बता दो, आई टू बता दो। तीसरे में पूछा है आपसे कि हीट जनरेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस इन 30 मिनट्स, और अगला है कि 6 ओम में कितना हीट जनरेट हो रहा है इन 30 मिनट्स। तो चलो यहां से एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपसे बोला है कि आर टोटल कितना होगा, तो आपको पता है ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो क्या लिखूं मैं, एक दोनों को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को नीचे क्या कर दें ऐड कर दें, तो 6 3 18 और यहां पे आ गया 9, सो आ गया यहां पे 2 ओम रेजिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट ओवर, सेकंड पार्ट, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, समझा पा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये तो आपको पता है ये फॉर्मूला, आपने पिछले वीडियो पार्ट में देखा था कि हम लोग वहां पे कैसे दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में शॉर्टकट से कैसे कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, अब आपसे पूछा है कि आई कितना होगा, सेकंड पार्ट में आपसे आई पूछा है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, तो 6/2 लिख देंगे, यहां से आ जाएगा 3 एम्पियर करंट, देखो यहां तक पहुंच चुका है। अब आपको पता है करंट डिवीजन नियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 3 से कितना जा रहा है और 6 से कितना जा रहा है। तो आपको पता है कि आई वन, मान लो इसको मैं आई वन बोल रहा हूं और ये साथ में जो 3 ओम है ये क्या है आर वन है, तो आई वन इज इक्वल टू फॉर्मूला याद है क्या था, आई आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। आई कितना है, आई है 3, आर टू कितना है, आर टू है 6, और यहां पे 3 + 6 दैट इज 9, ये हो जाएगा 3, यहां से आता है 2, तो यहां पे कितना एम्पियर करंट आ गया, 2 एम्पियर करंट आ गया। अगर टोटल करंट था 3 एम्पियर, 2 एम्पियर यहां से जा रहा है, तो यहां से कितना जा रहा होगा, आई टू है हमारे पास 1 एम्पियर। बोलो ये समझ में आता है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों पार्ट हमने कर लिया ना, और थर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है आराम से देखो, ये सब आप कैलकुलेट कर पाए हो, ओके। अब है थर्ड पार्ट की हीट जनरेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस, तो हीट इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। आई कौन सा, जहां से क्या हो रहा है, जहां से हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हीट कहां से है, 3 ओम से है ना, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, I1 कितना है 2 का स्क्वायर, R मतलब है 3, टाइम कितना है, टाइम है सेकंड में चाहिए अपने को, तो 30 मिनट था तो 30 × 60 लिख देते हैं, तो 2 2 4 4 3 12
ठीक है, 12 इंटू 30 इंटू कितना आ गया 60, कितना आ जाएगा 6 12 6 78, इतना जूल आ जाएगा। अच्छा अगर मैं पोर्ट करना चाहूं, चलो पोर्ट यहीं पे कर लेते हैं, ये यहां कर लेता हूं पोर्ट पार्ट, पोर्ट मतलब डी पार्ट। ओके तो यहां से बोल रहा है कि 6 ओम से कितना जाएगा, तो अगेन हमने फॉर्मूला देखा आई स्क्वायर आर टी, आई कितना है 6 ओम से, आई जो है वो आई टू है, आई टू हमारे पास है 1, 1 का स्क्वायर यहां पे 6, और यहां पे अगेन 30 इंटू 60, क्यों करना 30 इंटू 60, क्योंकि 30 मिनट का मतलब होता है 30 इंटू 60 सेकेंड। तो यहां पे आ गया आपके पास 6 18 6 36 इंटू 30, और यहां आ जाएगा 8 और यहां पे 1080 जूल, कितना आ गया 1080 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अंदर यहां पे इस पार्ट को, हीट वाले पार्ट को खत्म करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें आपको सारी चीजें कवर हो गई कि आर इफेक्टिव आपने कैलकुलेट कर लिया, करंट वाली बात आपने कर लिया, और हीट तो यहां पे था। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हो गया, वीडियो को रोक के आराम से कॉपी करो। तो अगला हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं एक न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के बाद हम लोग देखेंगे वर्क डन। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, कि यहां से दो रेजिस्टेंस है 3 और यहां पे है 5 ओम में है, और यहां पे एक बैटरी बनी है, बैटरी जो है वो है 16 वोल्ट की बैटरी है। तो आपसे बोलता है कि हीट जनरेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है समझ में आ रहा है ये कोडिंग, हीट जनरेटेड इन 3 ओम रेजिस्टेंस, और सेकंड पूछा है कि हीट जनरेटेड इन 5 ओम रेजिस्टेंस। चलिए ये दोनों आपको यहां पे कैलकुलेट करनी है। पहले आप क्या करोगे, आप पहले देखोगे कि आर टोटल कितना है, आर टोटल है 8 ओम, कैसे आया 8, क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में आसानी से ये ऐड हो जाता है, तो हो गया। अब है आपके पास टोटल करंट कितना निकला है यहां से चलने के लिए, तो टोटल करंट निकला है 16/8, क्यों ऐसे लिख पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। ठीक है, फिर से लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आर, वी हमारे पास कितना है 16, ये कितना है 8, यहां पे आता है अपने पास 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट आया, और आपको पता है कि सीरीज में हर जगह करंट क्या होता है सेम होता है, तो हीट कितना आ जाएगा, हीट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, और टाइम मान लो मैंने फिर से आपको दिया है कि 10 मिनट, तो आई कितना हो जाएगा, आई तो यहां पे आ रहा है 2, 2 का स्क्वायर, आर है 3, और टाइम है हमारे पास 10 मिनट, मिनट को आपको क्या करना है सेकंड में लाना है, कैसे लाएंगे इंटू 60 करके, 2 2 4 4 3 12 12 6 72, और 2 जीरो लग गया, ये इतना जूल है। अगेन आपसे पूछा है कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो कितना हो जाएगा करंट, तो कितना हो जाएगा हीट, तो आई स्क्वायर आर टी, आई जो है हमारे पास फिर से कितना है, आई है हमारे पास 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 5, और टाइम है हमारे पास 10 इंटू 60, तो 6 5 30, यहां पे हो जाएगा 3000, यहां पे आता है 4 4 3 12, और यहां पे आ गया 12000 जूल। ठीक है, सो ये हमारा कैलकुलेशन है। सो आसान आसान से सवाल है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ओके अच्छा एक और चीज देख लीजिए, क्या हम हीट का फॉर्मूला कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, जैसे आपने लिखा है कि आई स्क्वायर आर टी, तो मैं इसको लिखना चाहूं अगर कि देखो आई इंटू आई, और यहां पे आर यहां पे टी, तो आई इंटू आर क्या होता है वी होता है, तो मैं लिख सकता हूं वी आई टी, ये भी चलेगा। तो हीट का हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी, एक हो गया वी आई टी, और एक देखते हैं, मान लो कि हमने यहां पे कर दिया आई को कन्वर्ट कर दिया वी बाय आर में, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो हमारे पास हीट के लिए ना तीन टाइप के फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी जूल्स लॉ ने बताया था, हीट इज इक्वल टू वी आई टी, और हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ओके डन, कॉपी कर लिया। अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। अब देखो कि मान लो यहां से हमने लिया कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से करंट यहां से पास हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा होगा, कुछ एनर्जी जो है वो यूज हो रहा होगा। अब यही एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं,
तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, वही हम लोग यहां पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। मुझे बताओ कि यहां से हीट कितना जनरेट होगा, तो हीट कितना जनरेट होगा, तो जवाब है एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। और हीट है क्या, ये एनर्जी ही तो है, तो हम एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। सिंपल, अगेन वही सब कन्वर्जन की जो आपने देखा था कि अगर मैं आई को लिखूं वी बाई आर, तो यहां स्क्वायर आ जाएगा यहां पे टी, तो आप क्या लिख सकते हो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर और एक आर कैंसिल, आपके पास आता है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और एक और है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, अगर मान लो हमने लिखा है कि आई स्क्वायर आर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी अभी हमने देखा था, सो वी यहां पर बन गया, यहां पर आई, यहां पर टी, सो ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है। तो ये तो हो गया मेथड वन। एक मेथड तो अपने पास ये हो सकता है कि एनर्जी का कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर लें। एक और हमारे पास तरीका है। अब ये जो तरीका है ना, पहले आप यहां से कॉपी करो, मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूं। हो गया कॉपी, चलो वीडियो को रोक के आराम से कॉपी करो। सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड ध्यान रखो, ध्यान दो यहां पर क्या था कि वर्क डन इज इक्वल टू होता था, ऐसे लिखते थे हम लोग कि V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। बोलो याद है ये चीज, हमने पोटेंशियल को जब डिफाइन किया था तब ये चीज लिखा था, लिखा था। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। क्या आपको पता है कि Q इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। तो Q यहां से कैसे आएगा, देखो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो यहां पर आ गया V I और T। अब आप सारे कन्वर्जन में जा सकते हो, कैसे, तो W इज इक्वल टू V के जगह पे हम लिखा आई आर, यहां पे I था, यहां पे T, अब क्या बन गया आई स्क्वायर आर टी, ये भी आ गया वर्क डन का। मतलब सारे आप कन्वर्ट कर सकते हो जैसे हमने अभी अभी सॉल्व किया था। तो दोनों तरीके आपको पता होना चाहिए, ये है मेथड टू, जिस मेथड से आपको करना है उस मेथड से कीजिए। यहां से वर्क डन का फॉर्मूला सेम आएगा, दैट इज आई स्क्वायर आर टी या फिर वी आई टी या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, तो ये ये हमारा आ गया वर्क डन वाला फॉर्मूला, और वर्क डन पे आपने क्वेश्चन कर ही लिए हैं हीट के फॉर्म में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग पावर की तरफ। अब देखो पावर का आपको डेफिनेशन याद है, नाइन्थ में पढ़ा था अपने पावर के बारे में। कहां सर नाइन्थ वाली बातें आप तुमसे पूछ रहे हो, एक साल हो गया। हाँ, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यही था ना कि हम क्या बोलते थे, पावर मतलब होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही था। मतलब क्या आ गया कि कितने रफ्तार से क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, यही मतलब होता है इसका। तो वहां से हमने देखा कि पावर मतलब होता है, हेडिंग लिख दीजिएगा पावर, सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, वी आई टी अपॉन टी पढ़ा था, टी टी कैंसिल, क्या आ गया वी आई आ गया। अच्छा सिमिलरली आपने देखा कि वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी था, और इसको फिर टी से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। या फिर आपने एक और पढ़ा था, कौन सा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी कर लिया, वर्क डन बाय टाइम, तो क्या आ गया आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पावर के फॉर्मूले। और पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है, स्पेलिंग देख लो, डब्ल्यू ए डबल टी, पावर का यूनिट क्या होता है वाट, याद रहेगा। पावर का डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, इसी चीज को यहां पे बोलेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अच्छा पावर हो गया, अब हम लोग ना इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि पावर कितना होता है वगैरह। देखो अगर हमसे बोलता है कि एक हमारे पास बल्ब है, इसको हमने बैटरी से लगा दिया, क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना, तो इस बल्ब का, इस बल्ब को मैंने रेजिस्टेंस की तरीके से दिखाया है, इसमें दिया हुआ है कि पावर जो है यह है 100 वाट का। ठीक है, 100 वाट का पावर है, तो बोलता है कि अगर मैं इसको 5 मिनट ऑन रखूं, 5 मिनट अगर मैं ऑन रखूं तो कितना हीट जनरेट करेगा। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हीट मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब क्या लिख सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मतलब होता है हीट,
हीट अपॉन टाइम और यहां पे पावर। सो डायरेक्ट आपको हीट का फॉर्मूला मिल जाएगा, हीट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 100 वाट, टाइम कितना है 5 मिनट, लेकिन आपको तो सेकंड में चाहिए तो आपने इतना कर लिया। अब कितना आता है 30 और 1 2 3 0 और यहां पे क्या आ गया जूल, कितना आ गया 30,000 जूल। ओके तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट आप यहां तक कॉपी कर लो कि हीट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, चलो देखते हैं इसको भी कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछा है कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा टोटल रेजिस्टेंस वाली बात जो है ना अपन थोड़ी देर के बाद करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग से बोलता है कि पहले तो बताओ मुझे कि टोटल पावर यहां पर कितना हो जाएगा। टोटल पावर है 150 वाट, ठीक है 150 वाट। तो पावर का फॉर्मूला यूज करके वी स्क्वायर अपॉन आर निकाल सकते हो। तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, पावर अपने पास कितना है 150, वोल्टेज कितना है यहां पे इक्वल टू आएगा, यहां पे है 100 का स्क्वायर, मतलब दो बार मैं 100 100 लिख देता हूं, और यहां पे क्या है आर, आर कौन सा टोटल, यही आर टोटल आपसे पूछा था। तो हम लोग इसको यहां भेज देंगे, यहां हो जाएगा आर टोटल इज इक्वल टू 100 × 100 डिवाइडेड बाई 150, 0 0 कैंसल, 5 3 5 2, आंसर इज 200/3 ओम। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया कि क्या निकाला आपने यहां से, आपने यहां से निकाला है आर टोटल। तो आर टोटल यहां पे लिख देता हूं, ये है 200/3 फर्स्ट ओवर। नाउ सेकेंड यहां पे करते हैं। अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है तो क्या करंट मिल जाएगा, करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर, V कितना है 100 और R कितना है, R है 200/3, 3 कहां चला जाएगा ऊपर और यहां आ जाएगा 200, 0 0 कैंसिल और यहां पे आ गया 1.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बोलता है कि रेजिस्टेंस R1 से, R1 रेजिस्टेंस जो कि है 100 वाट का, यहां से आप बताओ कि, अच्छा आपसे पूछा है सिंपली कि R1 की वैल्यू बताओ, चलो ठीक है। तो आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, और यही करंट सब जगह जा रहा है देखो। तो आई कितना है, आई है 1.5 जिसको हम बोल सकते हैं 3/2, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 100। सो सॉरी आर की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करना है ना, पावर की वैल्यू कितनी है 100। चलो तो यहां पर कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 9/4 × क्या आ गया R1। सो यहां से R1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो जो कि होता है 400/9 ओम, ठीक है R1 की वैल्यू मिल गई। यहां पे कॉपी कर लो फिर जगह बन जाएगा, हम लोग R2 भी कैलकुलेट कर लेंगे। ये चलो R2 यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये अपना जगह काफी है, फोर्थ कर रहे हैं यहां पे। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, R2 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पावर इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर और आर, और कौन सा है 2 वाला। आई तो देखो हर जगह सेम है सीरीज में ना, तो करंट तो सेम होता है। तो आई की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया था, 3/2, 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, और ये कितना है R2 तो हमें नहीं पता, और पावर हमें दिया हुआ है 50। तो आपने यहां पे कैलकुलेट किया ये आता है इतना, सो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/9 ओम। ठीक है इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया, चारों क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गए। तो अच्छे सवाल है, आपको ढेर सारी चीजें इसमें पूछी हुई है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रिवीजन होते रहेगा इस तरीके से। चलिए कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग एक लास्ट पार्ट देखेंगे, कमर्शियल यूनिट। अब हम लोग देख रहे हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है कि वो यूनिट जिसका बिल हमारे घर पे आता है, मतलब आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आती है वो यूनिट में आता है। बोला होता है कि लाइक 100 यूनिट उठाया है या 101 यूनिट उठाया है या कुछ और। तो ये जो यूनिट है ये क्या चीज है, तो देखो अगर मैंने किलो वाट आर में रखा है किसको, एनर्जी को, एनर्जी को अगर हमने किलो वाट आर में रखा है किसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं 1 यूनिट। कैसे, तो अगर मान लो मैंने बोला है कि एक हमारे पास यहां पे रेजिस्टेंस है जो कि है 100 ओम का, और इसको मैं 30 घंटे 30 आवर्स में यूज कर रहा हूं,
ठीक है। और यहां से वोल्टेज अपने को कितनी है दी हुई, वोल्टेज है मान लो 220 वोल्ट, जो हमारे घरों में आता है वो सप्लाई। अच्छा तो यहां पे बोल रहा है कि कितना हमारा बिल कितना आएगा अगर रेट जो है वो दिया हुआ है कि 10 रुपीज पर यूनिट आएगा, तो बोलता है कॉस्ट कितना बिल आएगा। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा कि एनर्जी कितना खर्च हुआ है, कितना आपने यूज किया है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, बोलो लिख सकते हैं, तीन फॉर्मूले में से एक हमने यूज कर लिया, कितना आ जाएगा 220 into 220 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है 100, इसको यहां पे 0 0 कट हो गया, और टाइम कितना है, टाइम है 30 आवर्स, 30 आवर्स मतलब 30 into 3600 कर सकते हैं, ठीक है। ये किसमें आएगा, अच्छा एक मिनट, हाँ चलो ठीक है, बाद में इसको कैलकुलेट करते हैं कि किलोवाट में कैसे लाएंगे, पहले आप इतना कर लो। अच्छा किलोवाट आर में लाना है मुझे, तो मैं इसको ना क्या कर रहा हूं, आर में ही लाने दे रहा हूं, सेकंड में नहीं ला रहा हूं। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये आएगा वाट आर में, कैसे, देखो यहां पे आ गया 22 का स्क्वायर इंटू 30, ये किसमें आया, ये आया अपना वाट आर में, लेकिन हमको तो किलोवाट आर में चाहिए, तो आप किलो में कैसे लाओगे, तो 22 into 22 into 30 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 1000, तो कितना आ गया ये, और ये हमारा क्या आएगा किलो वाट आर, बोलो समझ में आया, ये एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, मतलब एनर्जी की वैल्यू हो गई कितना कि इतना। अच्छा इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कितना आएगा 4 और 44 और 448 और इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, 4 3 12 8 24 25 बचा 214 और यहां पे आ गया इतना इतना यूनिट आया है, यूनिट मतलब क्या हो गया किलोवाट आर। तो बिल कैसे आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितना एनर्जी हमने यूज किया और साथ में ऐसे रेट कितना था 10 रुपए, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 145 रुपीज 20 पैसे, ये हमारा क्या आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। ध्यान से देखो क्या क्या किया हमने, पहले एनर्जी कैलकुलेट किया, एनर्जी हम किसमें चाहिए, हम लोग को चाहिए किलोवाट आर में चाहिए, तो किलोवाट आर में कैसे किया, पहले आर को हमने आर मतलब हमने यहां पे क्या किया टाइम को हमने आर में रखा, और बाद में हमने फर्दर जाके क्या किया कि किलो में कन्वर्ट कर दिया, किलो में कैसे कन्वर्ट करते हैं वाट को, किलोवाट में कैसे करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000 से हमने डिवाइड किया, और बाद में हमने फिर क्या किया जितनी एनर्जी हमने यूज किया इंटू रेट कर दिया, तो क्या मिल गया हम लोग को मिल गया कि कितना पैसा लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कितना आएगा। ओके तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा यहीं तक था।